हाईकमान नाल बिना मुलाकात दे पंजाब परते कैप्टन अमरिंदर सिंह हाईकमान ने दिता 18 पॉइंट एजेंडा। हरीश रावत बोले, वादे पूरे करने लई दित्ती गई है डेडलाइन। एमएलएस दे बेटियां नूं नौकरी देने दे मसले ते सुनील जाखड़ ने घेरे कैप्टन दे सलाहकार, बोले गलत लोग करवा रहे ने कैप्टन तो गलत फैसले। हरीश रावत ने कहा, फतेह जंग बाजवा दे परिवार ने नौकरी लैण तों कीता इनकार। साबका डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल नूं एसआईटी ने भेजा समन। 26 जून नूं कोटकपुरा गोलीकांड च पुछगिछ लई चंडीगढ़ दे सैक्टर 32 च बुलाया। 2015 च होया सी गोलीकांड। एनकाउंटर दे 14 दिन बाद जयपाल पुलर दा होया अंतिम संस्कार। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाली टीम ते सरकारी दबाव दे लाए इल्जाम। 9 जून नूं कोलकाता च होया सी एनकाउंटर। पाकिस्तान च हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका। लाहौर च जौहर टाउन इलाके च गैस पाइपलाइन च हुए धमाके, 3 की मौत, 15 जख्मी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली तो पंजाब वापस परत आए ने, पर इस सब दे दरमियान जो सब तो अहम है वह है हाईकमान के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की दूरी। 3 दिन वो दिल्ली दे विच रहे, पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी के नाल उन्हां दी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्लियों डेडलाइन जरूर लैके आए ने वादे वफा करन दी। 18 पॉइंट्स एजेंडा दे के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दिल्ली तो पंजाब भेजा गया। EICC ने स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन देकर, एक समय सीमा निर्धारित कर उनसे कहा है कि आप इन पर अमल करवाइए। 18 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर EICC ने, पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, और मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में इस बात को खुलासा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली परेड कर पंजाब परत आए ने, ते हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब नूं वफा होए वादियां दी जानकारी देणगे, क्योंकि हाई कमान दा आदेश है। हालांकि दिल्ली दौरे ते कैप्टन दी हाई कमान तो दूरी ही बनी रही। 2 दिन दिल्ली रहे, पर ना तां सोनिया गांधी नाल कोई मीटिंग हुई ते ना ही राहुल गांधी नाल। सवाल यह भी उठा कि जदों हुण राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस दे मंत्री, विधायक अते सीनियर लीडर्स नूं भी मिल रहे ने, इस दौरान हाई कमान दी कैप्टन तो दूरी दा सवाल लाजमी उठना है। जहां जिस नेता को जहां जिससे मिलने की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से समय दिया जाता है। राहुल गांधी जी जो समय, जो भी हमारे नेता को समय चाह रहे हैं उनको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 4.5 साल हो गए ने ते मसले अजे 18 अजिहे ने जिन्हां नूं तवज्जो दी लोड़ है। इसे लई तां डेडलाइन देनी पई है, क्योंकि चोण वादे पूरे करन लई महज 8 महीने बचे ने। कुछ मामलों में EICC ने स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन दे करके, एक समय सीमा निर्धारित करके उनसे कहा है कि आप इन पर अमल करवाइए, और वो समय सीमा जो बातचीत में उभर करके आई है उसी के आधार पर तय की गई है। बेअदबी तो लेके बिजली दा मुद्दा, माफिया तो लेके ऐसी स्कॉलरशिप तक सारे मसले हुण गिने जा रहे ने। बरगाड़ी वाला इशू है, और क्योंकि वो एक भावनात्मक मुद्दा है और हम पंजाब की जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं, और उसी तरीके से ड्रग्स वाले इशू पर जो भी लोग उसके उसमें सम्मिलित हैं, कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की है पंजाब गवर्नमेंट ने, और स्ट्रांग कार्रवाई की है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली एक बड़ा इशू है पंजाब के अंदर। हमारे लोग कहते थे, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों से आवाज़ थी कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों को कंसेशन दे दिया, हमको नहीं दिया। तो पार्टी ने कहा है कि 200 यूनिट तक बिजली प्रति परिवार आप जो है मुफ्त करिए, और एससी के स्कॉलरशिप, एससी के लोगों के, एससी और गरीब लोगों के
जो ऋण हैं उनकी माफ़ी और ज़मीन पर उनका जहाँ जहाँ कब्जा है उसको रेगुलराइज करने के मामले में जो पंजाब सरकार से कहा गया है कि आप जो है इसको इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा करिए। हाईकमान की कमेटी ने कैप्टन ये सारे निर्देश उस समय दिते जदों एक एक करके पंजाब कांग्रेस के लीडरों नूं मिल रहे ने। कमेटी बाद हुण खुद राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के लीडरों नाल मुलाकात कर रहे ने। अंदाजा लाना मुश्किल नहीं कि कांग्रेस का अंदरूनी कलेश किस मोड़ ते पहुंच गया। पंजाब के जो हालात ने मौजूदा सियासी हालात की ने इलेक्शन का की पार्टी का इस टाइम कितने कसी खड़े हैं तो पंजाब के लोगों की की एक्सपेक्टेशन ने मौजूदा पार्टी की हाईकमांड को मैं सारी गल पर चर्चा कर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक महीने च दिल्ली दे दो गेड़े मारे। इस परेडबाजी तो खासे परेशान ने पर पार्टी अनुशासन दे नाम ते कौड़ा कुट पीता है। खासम खास मंत्री अते विधायक भी सियासी सफर च साथ छड़ गए ने ते हुण अगे वादियां वाला वड्डा पहाड़ खड़ा है ते वक्त भी घट है। सवाल कई ने ते जवाब दा इंतजार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने ऐलान किया सी कि दो विधायकों के बेटियां नूं तरस के आधार पर नौकरी दी जाएगी पर इस ते मसला खूब पक गया। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने भी सवाल चुके। उन्होंने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकारां नूं गलत लोग कह के संबोधन किया अते कहा कि इहो जे गलत फैसले कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उन्होंने सलाहकार ही करवा रहे हैं। हालांकि फतेह जंग बाजवा के परिवार ने नौकरी लैन तो इनकार कर दिता है। यह हरीश रावत का कहना है। देखो जेड़ी गल सही नहीं उनु सही नहीं किया जा सकता। चंद गलत लोग जेड़े है वो कैप्टन साहब तो इस किस्म के फैसले करवा रहे हैं। सो कॉल्ड एडवाइजर जेड़े बने बैठे हैं ने डुलिया अपने देश वास्ते और अपने सूबे वास्ते मिलना चाहिए और मिलेगा और जिथे जदों भी कदे होएगी आई विल गिव इट। मुख्यमंत्री ने शनिचरवार को ही विरोधियों को दो टुक सुना दी सी पर कैप्टन के इसे फैसले तो खफा पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ भी ने। अपनी सरकार के फैसलों तो इन्ने नाखुश कि कैप्टन के सलाहकारां खिलाफ खुल के पड़ास कढ़ी ते नौकरी वाला फैसला तो प्रधान नूं बिल्कुल रास नहीं आया। सवाल यह भी है कि हुण अपनियां नूं की जवाब देणगे कैप्टन। जेड़ी गल सही नहीं उहनूं सही नहीं किया जा सकदा। चंद गलत लोग जेड़े है वो कैप्टन साहब तो इस किस्म के फैसले करवा रहे हैं। सो कॉल्ड एडवाइजर जेड़े बने बैठे है उन पिछले दिनों दे विच जेड़े कैप्टन साहब के नज़दीक आ गए दे आर पुटिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन ए स्पॉट। यह मसला जेड़ा है जो है मैं अपनी गल कहती पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता सरकार अपने हिसाब नाल चलती है पार्टी ने अपना सरकार। विरोधी तिना सने नाराजगी पंजाब कांग्रेस प्रधान मंत्री विधायक कई लोग जता चुके ने। रौला काफी पै चुका है। इसे लई हुण प्रताप सिंह बाजवा दे भतीजे फतेह जंग बाजवा दे बेटे नूं ऑफर हुई नौकरी तां परिवार ने लैण तो इनकार कर दिता है। रिजेक्ट शब्द इत्यादि नहीं कहूंगा बल्कि उन्होंने सब धन्यवाद कहा है कि जो है जो मुझे सूचना नौकरी नहीं लेंगे या नहीं लेंगे अभी पांडे जी ने क्या कहा है एग्जैक्टली वो हम मालूम कर रहे हैं लेकिन जो है बाजवा जो फतेह हैं फतेह बाजवा ने कह दिया है नहीं नहीं। पंजाब सरकार ने कादियां तो विधायक फतेह जंग बाजवा दे बेटे अर्जुन प्रताप सिंह बाजवा नूं पुलिस इंस्पेक्टर ते विधायक राकेश पांडे दे बेटे पीशम पांडे नूं नायब तहसीलदार लाया सी। अर्जुन प्रताप बाजवा विधायक फतेह जंग बाजवा दे बेटे ने साबका कैबिनेट मंत्री सतनाम सिंह दे पोते ने अर्जुन प्रताप बाजवा। पीशम पांडे विधायक राकेश पांडे दे बेटे ने तो योगेंद्रपाल पांडे दे पोते ने दोवां विधायकां दे बेटियां नूं तरस दे आधार ते नौकरी दित्ती गई सी। कैप्टन इस फैसले दी भावें पंजाब तो लैके दिल्ली तक खूब खिलाफत हुई पर कैप्टन ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है कि अपने फैसले ते कायम ने फिर विरोधी सहयोगी जो मर्जी कहंदे रहन। या होया अपने बाजवा साहब दा दे इन्हां ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां सी अपने देश वास्ते एंड अगर अकाली दल या आम आदमी पार्टी जो क्रिटिसाइज करदी है वो मैनू अपने पार्टी तो दस देन किसी बंदे नूं मैं उन्हूं भी दे दूंगा अगर वो दिता है। मैं पालन की कोशिश की थी पर ना अकालियां थे आए मैंने कोई ना मैंने आम आदमी पार्टी थे जो देश वास्ते अपनी कुर्बानी दी है तो जमे भी नहीं से जदों ये काम होया उरे
let them understand one thing ke Punjab badi aukhi kadi de vichon lange hai. कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने स्टैंड ते कायम ने पर इन्हां लोकां लई स्टैंड कदों लैणगे मुख्यमंत्री जो नित कदे सिक्ख्या मंत्री ते कदे मुख्यमंत्री दे बूहे बार धरना लाउंदे ने बेरोजगारी खत्म करन दे वादियां नूं चेते कर दुहाइयां पाउंदे ने पंजाब दे बेरोजगारां लई अजिहा रुख कदों अपनाउणगे मुख्यमंत्री इस दा इंतजार पंजाब दी जनता नूं वी है ते हुण तां कैप्टन दे अपने ही मंत्री विधायकां अते पंजाब कांग्रेस प्रधान नूं वी है. पंजाब मेल दे विच इत्थे रुकदे इक छोटे जिहे ब्रेक दे लई पर ब्रेक दे उस पार वी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा. एनकाउंटर दे 14 दिन बाद जयपाल पुल्लर दा अंतिम संस्कार परिवार ने कर ही दिता जदों दूजे पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट आई. हालांकि सवालों ते इल्जामां दा सिलसिला अजे भी नहीं रुकिया. परिवार ने पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस ते गंभीर इल्जाम लाए ने. ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਟੋਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਫਿਜੀਕਲ ਟੋਰਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ WWF ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ IPS ਅਤੇ IAS ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਦੇ ਆ. ਭਰਾ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਪੁੱਲਰ ਦਾ ਭਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੁੱਲਰ ਹੈ. ਜੈਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ. ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਦੂਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 22 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਆ. ਜੇ ਉਹਦੇ 22 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ. ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟਾਰਚਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ. ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ. ਸਿੱਧਾ DGP ਅਤੇ ਉਹ DIG ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ IG ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇਸ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ. ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕ ਤਹਿਤ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਟੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪਾਲ ਪੁੱਲਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਗਈ. ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ. 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.
23 जून नूं परिवार ने आखिर जयपाल दा संस्कार कर दिता। पंजाब च जुर्म दी दुनिया च जयपाल वड्डा नाम सी। रॉकी दे कतल बाद जयपाल अंडरग्राउंड हो गया। कई वारदातां नूं अंजाम दिता, पुलिस लभदी रही, पर जयपाल वारदात नूं अंजाम दिंदा ते फिर फरार हो जांदा। कई साल चकमे दिंदा रहा, पर जदों 15 मई नूं जगराउंड च दो ASIs नूं जयपाल ने अपने तीन साथियों नाल मिल के कतल किया। तखाकी ते होए जानलेवा अटैक तो बाद जयपाल नूं दबोचन दी जिम्मेवारी लई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट ने जयपाल नूं काबू करन लई पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन जैक ते फिर तार जुड़े पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश अते मध्य प्रदेश तो हुंदे हुए बंगाल दे नाल कोलकाता च 9 जून नूं जयपाल नूं ठेर कर दिता गया अते हुण परिवार इल्जाम ला रहा है कि एनकाउंटर फर्जी सी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के दौरे ते सन ते उन्हां दे नाल मौजूद सन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पर इस दरमियान कुछ अजिहा होया जिसने सब नूं हैरान कर दिता, क्योंकि CM सिक्योरिटी के मुलाजम ते SP कुल्लू आपस च भिड़ गए। उस तो बाद थप्पड़ भी वजे अते कुटमार भी खूब हुई। थपड़ो थपड़ी हो रहे हिमाचल पुलिस दे मुलाजम ते अफसर ने वर्दी तारी, जिस अफसर नूं लत्तां मारियां जा रहियां ने एक गौरव सिंह ने, कुल्लू दे SP ने, अते सब कुछ उदों वापरिया जदों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश दे दौरे ते सन। कुल्लू दे SP ने गडकरी दे काफिले नूं रोकण लई एक पुलिस मुलाजम नूं थप्पड़ जड़िया। सुरक्षा दस्ते ने SP नूं ही कुट दिता। सुरक्षा मुलाजम हिमाचल प्रदेश दे मुख्यमंत्री दे सिक्योरिटी दस्ते दे दसे जा रहे ने। गडकरी दा काफिला पुंतर एयरपोर्ट तों मनाली वल वध रहा सी। तराह दे विच मनाली 4-लेन प्रभावित लोग सड़क किनारे खड़े सन। गडकरी लोकां दी गल सुनण दे लई रुके। इसे दरमियान काफिला रोकने नूं लैके CM सिक्योरिटी अते कुल्लू दे SP दरमियान मसला थप्पड़ां ते लत्तां तक जा पहुंचिया। मौके ते मौजूद पुलिस मुलाजम जोर जोर नाल चीके भी कि SP साहब नूं क्यों मार रहे हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दे हिमाचल पहुंचन ते हिमाचल दे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उन्हां नाल मौजूद सन जदों इह पूरा वाकया होया। इत्थे रुकदे इक छोटे जिहे वक्फे दे लई, पर ब्रेक दे उस पार वी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने JBT घोटाले मामले दे विच 2013 सज़ा सुनाई गई सी, 10 साल की सज़ा भुगत रहे सन, वह पर उन्हां दी सज़ा अज मुकम्मल हो गई है। ओम प्रकाश चौटाला ते अध्यापक भर्ती प्रक्रिया दे विच घोटाला करन दे इल्जाम सन। हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दे लई राहत भरिया दिन आया। टीचर भर्ती घोटाले के विच कैद OP चौटाला की 10 साल कैद की सज़ा पूरी हो गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील नूं जानकारी दी है। OP चौटाला हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके ने। दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे तिहाड़ जेल से मुझे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ कि चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर हो गई है और उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी। इससे पहले हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई के बारे में कई याचिकाएं डाली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय समय पर उनकी पेरोल को एक्सटेंड किया और दिल्ली प्रशासन को और दिल्ली सरकार को कहा कि उनकी रिहाई क्यों नहीं बन रही, जबकि उनके सारा पैरामीटर फुलफिल हैं। फाइनली दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर करके और उनकी रिहाई के बारे में आदेश जारी करे हैं। ओम प्रकाश चौटाला पैरोल ते होने कारण पहले ही जेल तो बाहर ने। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई नाल भी हरियाणा की राजनीति दे विच कोई वड्डा फर्क नहीं पैण वाला, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 6 साल तक एक्टिव राजनीति नहीं कर सकते। OP चौटाला हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के दादा ने। दुष्यंत इनैलो तो अलग हो के जजपा पार्टी बना चुके ने, जबकि ओम प्रकाश अजे भी इनैलो के नाल ने। JBT भर्ती घोटाले विच साल 2013 सबका मुख्यमंत्री 10 साल की सज़ा सुनाई गई सी।
1999 3206 पोस्टा के लिए विज्ञापन जारी होया सी। 2000 दे विच अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। हरियाणा के 18 जिलों के अध्यापक नियुक्त किए गए। 2003 दे विच नियुक्तियां ते सवाल उठन बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2003 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने CBI नूं जांच के हुक्म दिते। जुलाई 2011 दे विच आरोपियों खिलाफ़ चार्ज फ्रेम होए। दसंबर 2012 दे विच केस की सुनवाई पूरी हुई। 2013 दे विच OP चौटाला अते पुत्र अजय चौटाला दोषी करार दिते गए। 22 जनवरी 2013 नूं 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। पंजाब मेल दे विच अज दे लई इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। परदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखदे रहो ABP सांझा।